नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ गई है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने लगभग अपने नाम तय कर लिए हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब हम चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं, जहां से अखिलेश यादव विधायक थे उस सीट का नाम था करहल। करहल से विधायक थे, अब बन गए हैं सांसद कन्नौज के, तो वह सीट खाली हो चुकी है। तेज प्रताप यादव का नाम यहां पर फाइनल हो चुका है। 100% तेज प्रताप यादव यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, यानी कि गांव-गांव में अपना वोट मांगने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के मैनपुरी से पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। जब मुलायम सिंह यादव 2014 में दो लोकसभा सीटों से लड़े थे, मैनपुरी और आजमगढ़ सीट को उन्होंने नहीं छोड़ा और मैनपुरी सीट को उन्होंने छोड़ दिया था। वहां पर उपचुनाव हुआ था और तेज प्रताप यादव वहां पर सांसद बने थे। तो आप समझ सकते हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, तो देख सकते हैं अखिलेश यादव की परिवार में जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, इनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, यही पांच सांसद, मथोरी यही पांच लोग, छह लोग आपको सक्रिय मिलेंगे। इसके साथ साथ इनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी आपको सक्रिय तौर पर मिल जाएंगे। तो इनमें से पांच लोग तो सांसद बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बाकी तेज प्रताप यादव यही बाकी हैं। ये विधायक अब बन जाएंगे, इनको टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्फर्म हो चुका है। अगली सीट है मिल्कीपुर, जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है मिल्कीपुर के लिए। इतनी बड़ी ताकत झोंक दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है और बार बार अयोध्या यानी मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं। और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया है। अब आप समझ सकते हैं, औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव की तैयारी करने के लिए कह दिया गया है। इन्होंने भी अपना पूरा बुरिया बिस्तरा बांध करके पूरी तैयारी में जुट गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अवधेश प्रसाद जो हैं, जब से सांसद बने हैं फैजाबाद के, अयोध्या के, तब से बीजेपी की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। इस मिल्कीपुर सीट को बीजेपी जीतकर यह चाहती है कि कम से कम यह दिखाया जाए अन्य राज्यों में भी चुनाव है कि हाँ वो तो अचानक से जीत गए, बेवकूफ़ बनाकर जीत गए, मतलब जनता को गुमराह करके जीत गए, हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। तो मिल्कीपुर पर पूरी नज़र है बीजेपी की। अब आप इतना समझ सकते हैं, चार चार मंत्री और मुख्यमंत्री यहां पर अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, यानी कि लगातार दौरा कर रहे हैं, चार चार मंत्री यहां पर लग चुके हैं चुनाव के लिए। तो इस समय अगली सीट आती है फूलपुर। फूलपुर की विधानसभा सीट, फूलपुर की लोकसभा सीट, लोकसभा में अमरनाथ सिंह मौर्य को टिकट मिला था, आपने देखा था। और फूलपुर से ही इतनी भीड़ आई थी इस रैली में, इतनी भीड़ आई थी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहां पर फूलपुर में और प्रयागराज में अपना भाषण नहीं दे पाए, भगदड़ सी मच गई। लेकिन फूलपुर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के 4300 कुछ वोटों से चुनाव हार गए। तो आप समझ सकते हैं, और जनता की जो लोकप्रियता है, जनता जो चाह रही है कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी एक बार फिर अमरनाथ सिंह मौर्य को टिकट दे, प्रबल दावेदारी है। लेकिन समाजवादी पार्टी में और लोगों के नंबर भी आने चाहिए। मुस्तफ़ा सिद्दीकी जो पिछली बार चुनाव लड़े थे केवल 2700 वोटों से चुनाव हार गए थे, हो सकता है समाजवादी पार्टी वहां पर इनका इनके ऊपर फिर दांव लगा दे। दूधनाथ पटेल यहां पर टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन है, लेकिन जो प्रमुख मंसूर आलम टिकट मांग रहे हैं। लेकिन हमारा मानना यह है, अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी बनाती है, मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा है फूलपुर विधानसभा सीट में, तो हो सकता है चुनाव जीतने तक पहुँच जाएँ, हो सकता है कुछ मिस हो सकता है,
कुछ थोड़ा बहुत मिस हो सकता है, अन्यथा अगर अमरनाथ सिंह मौर्य को लड़ा देंगे तो 100% है चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण पटेल थे फूलपुर से विधायक, वहीं से 16-17 हजार वोटों से बीजेपी हार गई है। लेकिन लोकसभा में इलाहाबाद उत्तरी जीत और पश्चिमी सीट पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। फाफा मऊ में हारी है बीजेपी, फूलपुर में हारी है, सोराव में हारी है, पश्चिमी में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, लेकिन उत्तरी में बहुत ज़्यादा अंतर से, क्योंकि वहाँ पर श्रवण मतदाता जाता है, इससे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हार मिली। वैसे भी आपने देखा होगा जितने भी मीडिया पोल बता रहे थे, कोई ये नहीं कह रहा था कांटे की टक्कर है, लोग यही बता रहे थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत लेगी, लेकिन एक तरफा चुनाव नहीं था। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, चौधरी बिजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी थे, लगभग 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। अलीगढ़ की खैर सीट भी खाली हुई है, इस सीट पर ऐसी संभावना है कि कांग्रेस को दी जा सकती है अगर समाजवादी पार्टी के पाले में रहती है, तो समाजवादी पार्टी चौधरी बिजेंद्र सिंह पर दांव लगा सकती है। और चौधरी बिजेंद्र सिंह खैर की विधानसभा सीट पर बीजेपी से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे, अब आप समझ सकते हैं, बीजेपी से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के रमेश गौतम से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे। केवल 15,647 वोटों से रमेश गौतम चुनाव जीते हैं, लेकिन अलीगढ़ विधानसभा में, एक लोकसभा में लगभग 5 विधानसभा, कहीं कहीं पर 6 विधानसभा भी है, तो आप समझ सकते हैं इनके ऊपर समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है या कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। और कादिर राणा के ऊपर समाजवादी पार्टी मीरापुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारने जा रही है कादिर राणा। कादिर राणा पूर्व में सांसद रह चुके हैं, इनके भतीजे शहनवाज राणा आजाद समाज पार्टी से लगे हुए हैं। हो सकता है चाचा भतीजा ना लड़े, क्योंकि अगर चाचा को टिकट मिल जाए तो भतीजा चुनाव ना लड़े, लेकिन अगर चाचा को इनको टिकट नहीं मिलता तो भतीजा चुनाव लड़ जाएगा। और इस सीट पर 1,30,000 से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद दलित 70-80 हजार मतदाता हैं, जाट हैं, उसके बाद गुर्जर हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस सीट पर कादिर राणा का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। और RLD ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी नवाजिश आलम को लगभग तय मान लीजिए उतार दिया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की कुंदर की सीट है, कुंदर की सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल सीट है। अब आप समझ सकते हैं, हाजी रिजवान को समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक पूर्व MLC को टिकट देने जा रही है, ऐसी संभावना है जिसकी ज़्यादातर चर्चा है और इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन इस सीट को भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जीतने की बात दूर। यहाँ पर अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लगभग 57,000 वोटों से पीछे रही लोकसभा के चुनाव में बीजेपी, पिछली बार लगभग 47-48 हजार वोटों से पीछे रही विधानसभा 2022 में, जीतना मुश्किल लगता है हमको। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम और यादव ही वोट दे दें, समाजवादी पार्टी यहाँ पर आराम से चुनाव जीत लेगी। कुंदर की विधानसभा वैसे भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी। और मैं आपको बता दूं, कुंदरकी में दावेदारी की है ST हसन ने भी। ST हसन चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इनको एडजस्टमेंट करे, क्योंकि ए मुरादाबाद के सांसद से इनका टिकट काट दिया, इनको रामपुर से अखिलेश यादव ने कहा चुनाव लड़ जाइए, इन्होंने किसी कारणवश लड़ गए और अब पछता भी नहीं लड़े और ये पछता भी रहे हैं। जो नदवी आए हुए हैं, मौलाना नदवी दिल्ली से आए हुए हैं, रामपुर से चुनाव लड़े लोकसभा का, वो चुनाव जीत गए, उसके पहले अखिलेश यादव ने इनको ही कहा था चुनाव लड़ने के लिए, इन्होंने मना कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी हमको एडजस्टमेंट करें ऐसे। और समाजवादी पार्टी ने रुचि बीरा को टिकट दे दिया था, रुचि बीरा यहाँ से चुनाव जीत गई थी। और कुंदर की सीट से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, संभल के अब सांसद बन चुके हैं। अगली सीट आती है मझुआ। मझुआ की सीट पर रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मिर्जापुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था, अब भाजपा से आए थे, इनको टिकट दिया था, 15-20 दिन के अंदर चुनाव प्रचार किया इन्होंने, बेहतर रिजल्ट लाए, 37,000 वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन बेहतर रिजल्ट ही माना जाएगा। जो अनुप्रिया पटेल को मैं तो सोच रहा था 2-1.5 लाख से जीतेंगी, लेकिन 37,000 वोटों से जीती। और मझुआ विधानसभा सीट पर रमेश बिंद की दावेदारी है, लेकिन हो सकता है समाजवादी पार्टी टिकट ना दे। क्यों ना दे? क्योंकि लोकसभा में इन्हीं को मौका मिला, विधानसभा में भी इन्हीं को मौका मिलेगा, तो पार्टी के और कार्यकर्ता क्या करेंगे, इसकी भी जिम्मेदारी
सभी पार्टियों को रहती है, लेकिन अगर लड़ेंगे तो बेहतर कैंडिडेट हैं, इनसे बेहतर कैंडिडेट हमको नहीं लग रहा है कोई होगा। और वहीं पर पूर्व में प्रत्याशी रहे रोहित शुक्ला उर्फ लल्लू, दो बार से समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया, दोनों बार चुनाव हार गए और बड़े अंतरों से चुनाव हारे हैं 2017 में और 2024 में भी, सॉरी 2022 में भी। हालांकि इन्होंने भी दावेदारी पेश की है, उस इलाके के जाने माने नेता माने जाते हैं। अब चुनाव हारना जीतना तो लगा ही रहता है, ब्राह्मण आबादी ठीक ठाक है वहाँ पर, बिंद आबादी ठीक है, यादव मुस्लिम, तो यहाँ पर इन दोनों प्रत्याशियों के ऊपर है कि दोनों पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं। अगला नाम आता है, हमको लग रहा है समाजवादी पार्टी एकाध मौर्या को टिकट देगी, चाहे फूलपुर से दे या चाहे मिर्जापुर से दे, दामोदर प्रसाद मौर्या को टिकट दे सकती है, क्योंकि पिछली बार जब रोहित शुक्ला को टिकट 2022 में मिला था तो दामोदर प्रसाद मौर्या को टिकट मिला था पहले टिकट मिला था दामोदर प्रसाद मौर्या को, और इनका आवेदन भी कराया गया, इन्होंने नामांकन भी करा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इनका टिकट ऐन वक्त में समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। ऐन वक्त पे समाजवादी पार्टी ने इसलिए काटा होगा क्योंकि रोहित शुक्ला को टिकट दिया, रोहित शुक्ला के बारे में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, ब्राह्मणों का वोट लाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन रोहित शुक्ला बड़े अंतरों चुनाव हार गए तो इनके ऊपर समाजवादी पार्टी दांव लगा सकती है, इनकी प्रबल दावेदारी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, जितने भी प्रदेश सचिव थे अब की बार लगभग प्रदेश सचिव को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया था। अब लालजी वर्मा कटहरी से विधायक थे, सांसद बन गए समाजवादी पार्टी के। लालजी वर्मा एक इनकी छवि है उस इलाके में, बड़े मजबूत नेता हैं। लालजी वर्मा हों राम अचल राजभर हों, पहले बसपा के बड़े नेता हुआ करते थे, अब समाजवादी पार्टी में दोनों नेता आ गए हैं, तो विधायक हैं राम अचल राजभर। लालजी वर्मा की इस सीट पर जो दावेदारी आ रही है, जो मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, वो इनकी बेटी छाया वर्मा को लेकर है, इनकी पत्नी शोभावती वर्मा को लेकर है। लेकिन किसी भी पार्टी के अंदर और भी कार्यकर्ता होते हैं, और जो भी चुनाव लड़ता है, विधायक से कोई सांसद बन गया तो सोचता है उस सीट पर हमारा प्रत्याशी हो, हमारे घर का कोई हो तो बेहतर होगा, तो छाया वर्मा की दावेदारी है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भीम निषाद, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन सुल्तानपुर लोकसभा सीट से जब भीम निषाद को टिकट मिला था तो समाजवादी पार्टी ने टिकट को काट दिया। और मैं बताऊं, सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर लड़ने के लिए जल्दी कोई तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं तैयार होता है? क्योंकि सुल्तानपुर सीट लगातार भाजपा जीतती रही है। भीम निषाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव थे, समाजवादी पार्टी ने इनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया, और अखिलेश यादव ने एक बार नहीं कई बार कहा है भीम निषाद को चुनाव लड़ना है, और इन्होंने बेहतर तैयारी भी शुरू कर दी है। आज से नहीं तैयारी कर रहे हैं, 2-3 महीना 4 महीना जब से लालजी वर्मा चुनाव जीते हैं, तो भीम निषाद को उम्मीद है कि इनको टिकट मिलेगा, और अखिलेश यादव से लगातार इनकी वार्तालाप हो रही है, और अखिलेश यादव ने इनको बोला है अगर लालजी वर्मा के परिवार से किसी को नहीं मिलता तो इनको टिकट कन्फर्म है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों, सीसामऊ की सीट इरफान सोलंकी, हाजी इरफान सोलंकी आगजनी के मामले में जेल में चले गए हैं। इस सीट पर इनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी टिकट दे चुकी है, देने का मतलब है तैयारी करने के लिए कह दिया गया है, नामांकन जब होगा तो टिकट इनको मिल जाएगा और ये चुनाव लड़ेंगे। और इनके परिवार ने आशंका जताई है कि अतीक अहमद की तरह हमारी भी हत्या की जा सकती है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? गाजियाबाद की सीट वैसे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी यहाँ पर, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से विशाल वर्मा को एक बार फिर लड़ाया जा सकता है, जो अतुल गर्ग बीजेपी से विधायक थे, सांसद बन चुके हैं, तो ये गाजियाबाद की सीट है। तो हमारा ये मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी ठीक ठाक लोगों को टिकट देती है तो 11-10 सीटों में 7 सीट आराम से जीत जाएगी। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।